नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एमपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दिग्विजय सिंह के करीबी और पूर्व विधायक रामलाल मालवीय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। मालवीय कांग्रेस से दो बार विधायक रह चुके हैं, उनके साथ कई और नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए कुछ भी नहीं किया, वो मोदी सरकार की योजनाओं को बंद करने की लिखित गारंटी दे रहे हैं। मोदी लहर के कारण कांग्रेस के बड़े नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। कांग्रेस के लोग अभी से ही हार के कारण खोजने में जुटे हैं। इस मौके पर वीडी शर्मा ने कहा कि अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण हमारा लक्ष्य है। ऐसे खिलाड़ी हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, ऐसे अन्य अन्य समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। रामलाल जी, मैं आपको सारे मित्रों को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त किया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2047 का विकसित भारत के संकल्प में आप भी सहयात्री शामिल होकर के आपकी भूमिका बनेगी। आज का दिन बहुत पवित्र है, आज पार्टी की स्थापना दिवस है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने एक के बाद एक नए रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भी जड़ों से जुड़ करके जो काम कर रही, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के, माननीय वीडी शर्मा जी के, हम सब उसका कदम कदम पे एहसास करते हैं। इसलिए नीचे से जुड़े हुए लोगों का जितना महत्व है, स्थापना दिवस पे आज जुड़ते हैं तो और आनंद आता है। आपको सबको आश्वस्त करता हूं कि सरकार विकास के मामले में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी, लेकिन आपकी सबके जनभावनाओं का भी ध्यान रखेगी और विकास के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। एमपी की बाकी 3 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है। मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। मुरैना से सतपाल सिंह सिकरवार, ग्वालियर से प्रवीण पाठक और खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है। तो ये 3 सीट जिस पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ था, उनके नामों का ऐलान अब कर दिया गया है। मुरैना, खंडवा और ग्वालियर में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। किसके बीच मुकाबला होगा, ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि कितना दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। हाई प्रोफाइल सीट और इन पर नजर बनी हुई थी कि आखिर कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाएगी। तो आखिरकार कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है इन 3 सीटों पर नामों का कि आखिर कौन कहां से उम्मीदवार होगा। तो ग्वालियर में देखिए भारत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक के बीच मुकाबला, खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल और नरेंद्र पटेल के बीच मुकाबला होगा और मुरैना में शिव मंगल सिंह तोमर और सत्यपाल सिंह के बीच मुकाबला होगा। ये तीनों ही सीट बेहद खास हैं और इन तीनों ही सीटों पर देखना होगा कि आखिर कितना ज्यादा जो है कितनी चुनौती यहां पर होगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है और हाई प्रोफाइल सीट पर जनता का रुख किस तरफ होगा इसका इंतजार अभी बाकी है। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान, जिसमें कि कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जिन पर वोटर्स वोट डालेंगे। और साथ ही अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो बाकी सीटों के लिए भी अभी से ही लगातार प्रचार प्रसार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। कौन कहां से प्रत्याशी है वो आपको दिखा रहे हैं नाम, मुरैना, ग्वालियर और खंडवा। तो लोकसभा के रण में खंडवा, ग्वालियर और मुरैना, इन 3 सीटों पर जो असमंजस था और जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया है और तीनों ही सीट पर नेताओं के नामों का ऐलान कर दिया गया है।
इंदौर के महू की बात करेंगे, जहां विधानसभा क्षेत्र से राम किशोर शुक्ला ने बीजेपी में घर वापसी की है। विधायक उषा ठाकुर की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और विधायक उषा ठाकुर के खिलाफ महू से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। ये तस्वीर उस वक्त की जब बीजेपी में शामिल हुए राम किशोर शुक्ला, बीजेपी की सदस्यता ले ली है उन्होंने। उषा ठाकुर की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। और अब बात सिंगरौली की, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश मजबूत होगा और चुनाव के समय खरीद फरोख्त के रोकने के लिए मदद भी मिलेगी। बीजेपी उम्मीदवार के चुनावी प्रचार अभियान में शामिल होने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव खरीद फरोख्त रोकने का बड़ा उपाय है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने के लिए मतदाताओं का आभार जताया। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, चुनाव कराना है तो चुनाव लोकसभा के साथ सारे विधानसभाओं का करा लीजिए। और जहां तक नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, इन सबका चुनाव सारे देश भर का एक साथ करा लीजिए। सारी मुसीबत तमाम, क्यों हम आपका समय बर्बाद करें, क्यों हम देश का